गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। मीन्स कि जो काम चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ या रोज नहीं होता, बल्कि इस समय चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। जैसे कि वह गा रहा है, तो गाने के लिए कौन सी वर्ब होती है? सिंग। तो ये क्या आ जाएगा? ही इज सिंगिंग। वे मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग मैच। तो आप देख रहे हो ही सिंगुलर था, उसके साथ इज लगाया गया है, दे प्लूरल है, उसके साथ आर लगा है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। अब आई है तो उसके साथ एम लग गया और उसके बाद वॉच के साथ आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर के साथ नोट लगाया जाता है। जैसे कि तुम किताब पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बुक। आर के बाद नोट लगाया, बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे। सीता खाना नहीं बना रही है, सीता इज नॉट कुकिंग फूड। इज के साथ नोट लगाया गया है, तो सीता इज नॉट कुकिंग फूड। देन इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा? इज एम आर सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा। क्या वह कविता लिख रहा है? इज ही राइटिंग पोएम। तो इज सबसे पहले आ गया, उसके बाद ही सब्जेक्ट आ गया, देन राइट प्लस आईएनजी। तो इज ही राइटिंग पोएम, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं? अब इसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी है, मीन्स नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो कैसे यूज होगा? आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस। आर पहले लगा, देन सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। तो आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं।